मैनपुरी के नवोदय विद्यालय में एक बार फिर स्कूल कर्मचारी की बेटी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रशासन द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर्स के पैनल से वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ शव पोस्टमार्टम को भेजा है। इससे पहले 2019 में भी नवोदय विद्यालय की छात्रा की मौत हुई थी। बाद में छात्रा के साथ रेप की पुष्टि हुई। पुलिस प्रशासन पर रिपोर्ट छिपाने का आरोप लगा था। तब मामले में शासन ने एसआईटी गठित की थी और एसपी मैनपुरी अजय शंकर राय के अलावा एएसपी और सीओ को सस्पेंड किया गया था। हालांकि आज तक 2019 में हुए हत्याकांड का खुलासा नहीं हो सका। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी भोगांव सुनील कुमार ने क्या कुछ बताया, देखिए खास रिपोर्ट। मेरा अनिल है। अनिल जी, खत्म हुई। कौन है आपकी भतीजी? हमारे नाम पूजा। पूजा कहाँ पढ़ती थी? यहीं पढ़ी थी, इसमें मैनपुरी में। मैनपुरी कहाँ? एमए कर रही। कौन से स्कूल में? स्कूल का नाम है, यही स्कूल है। कोई ख्याल कौन बताया था अभी? कौन से थाने में पढ़ता है? थाना यही है, भोगांव। ना, भोगांव थाने में। जवाहर विद्यालय में। कहाँ की रहने वाली है? ये लड़की है यहाँ की, बुलंदशहर लखना शिकारपुर। लखना शिकारपुर। क्या घटना हुई और कैसे लड़की? ये लड़की टाइफाइड मलेरिया था। ऐसे मलेरिया था? बीमार थी 20 दिन से बीमार थी। आपने इलाज वगैरह इसका खूब करवाया था? भोगांव करवाया था इलाज, मेहनत करवाया था, फिर खत्म हो गई। अच्छा, बता रहे हैं कि इसकी माँ या पिताजी उसमें फोर्थ क्लास में नौकरी करते थे? नवोदय में। हाँ, कौन था? पिताजी। क्या चपरासी थे? क्या थे वो? उसमें क्लर्क थे। क्लर्क। अच्छा, बता रहे हैं लड़की गले में खम्मा अंदा भी? नहीं, कुछ नहीं था। क्या कारण रहा तो पुलिस में यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए? अब ऐसा है, वो वहाँ की खत्म हुई, उसने कहा सरकारी स्कूल है ये, इस काम को शाम करवाएंगे। ये तो पोस्टमार्टम क्यों करा रहे हैं जब आपको ये कर? हमने कहा लड़की खत्म हुई है। पुलिस ने ही बताया है गले में फांसी का फंदा लगा मिला है। तो सर हमने देखो ना, हम तो लेट आए, जो आते हम आए रात 2 बजे। पिताजी का नाम क्या? सुनील। ड्राइवर है जी। तरह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, सर पूरा मामला क्या है? कल शाम को वहाँ के नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि हमारे कर्मचारी ड्राइवर की बेटी ने बेटी की मृत्यु हो गई है। परिवार उनके प्राचार के तहरीर के आधार पर जब मौके पर हम लोग वहाँ गए तो देखा कि लड़की नीचे चारपाई पड़ी थी जी। और परिजन से पूछताछ बताया कि वो अब फांसी में लटकी थी। डेड बॉडी का पंचायतनामा की कार्रवाई करके पैनल के साथ में पोस्टमार्टम कार्रवाई करने के बाद जो नतीजा आएगा उसे अवगत कराया जाएगा। सर, अगर जो बात की जाए उसे आत्महत्या करने की बात जो बताई गई है, सर क्या कारण था, क्यों आत्महत्या की है उसने? अब कारण का तो जानकारी पोस्टमार्टम बाद हो पाएगा। परिजन तो यही बता रहे थे बीमारी से मरी है, लेकिन जब मौके पर वहाँ पूछताछ के क्रम में निकला तो फांसी का उसका निशान, गले पर निशान था, इसलिए उसके पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है।